जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता है ना कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और एक्चुअली में दोस्तों अब आप लोग काम करिए, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पहले से रटे होते तो आज तक वो रटा हुआ नहीं रहता, भूल आप गए होते, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से मैं आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसको अच्छे से समझना है और याद करने का भी कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप आराम से एग्जामिनेशन हॉल में याद करके जाकर लिख सकते हैं, इसलिए मैं पहले से टेंशन नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस के एकदम आने वाला प्रश्न बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न बता दूंगा, एकदम 100% आने वाला प्रश्न बता रहा हूं। उतना समय भी नहीं है कि आपको 10-20 क्वेश्चन आपको लगातार मैं आपको बताऊं एक एक करके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, आप PDF ही उसका डाउनलोड कर लीजिए, सब झंझट ही आपका खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर एक बार अगर क्लिक करते हैं तो आप पूरा उसको क्वेश्चन का PDF भी डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद उसको कॉपी में मन करे तो कॉपी में लिखना, मन करे तो याद करना, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल पा रहा है ना, तो फाइनली आप काम करिए, आप अपने मोबाइल में गूगल या फिर अन्य कोई भी ब्राउज़र है उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लिया, आप लोग भी गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, कब, जब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना मिले, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोजने में दिक्कत होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिनको मिल जाएगा ठीक है, जिनको नहीं मिलेगा गूगल ओपन करना, सर्च में लिखना mgbresult.com, क्या लिखना mgbresult.com। देखिए आप लोग जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तो आपको मिलेगा mgbresult.com का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप आइएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक आपको ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसमें सब चीज का सब्जेक्टिव मिलेगा, इस पर एक बार टच करेंगे ना, सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो जो फर्स्ट वाला है ना, यही आपका इस बार आने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करिएगा, ठीक है। और जैसे क्लिक करिएगा तो इसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, वही मिलेगा जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है, एकदम देख लेना 100% वही प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग ओम का नियम याद नहीं किए तो ओम का नियम इस बार पूरे 5 नंबर का आने वाला है मेरे विद्यार्थी लोग, तो ओम का नियम आप लोग याद करो, क्योंकि ओम का नियम ऑलरेडी मैं यहां पर दे चुका हूं, बैक आना और उसके जस्ट नीचे में आपको लिखा गया और व्हाट इज ओम, ओम से लव, वेरीफाई द ओम से लव, आप इंग्लिश में भी यहां से याद कर सकते हैं और हिंदी में भी, तो ऑलरेडी इसमें हिंदी में भी है, एक बार इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, इसमें आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। पहले तो इसको इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद से आप नीचे करिएगा तो देखिए यहाँ पर पूरा आपको हिंदी मीडियम में लिखा गया, तो हिंदी मीडियम के लड़के भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लड़के भी लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, अच्छे से इसको रिविजन कर लोगे ना, बस केवल फिगर देखना। देखिए आपको एग्जाम में सबसे पहले डाइग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, डाइग्राम से आधा नंबर मिलता, तो ये डाइग्राम अगर बना दोगे तो समझ लेना आधा नंबर आपको ऐसे ही मिल गया, बस थ्योरी में कुछ कुछ लिख देना, बस पूरा 5 नंबर आपको जेब में रह जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा जरूर करिएगा, तभी आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएगा। मैं सोचता हूँ कि सभी का अच्छा मार्क्स आए, मैं ये नहीं सोचता हूँ किसी बच्चे का थोड़ा कम नंबर आए, सब किसी का फर्स्ट डिवीज़न 360 380 400 450 के करीब नंबर आए, मैं इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना नंबर ला देते हो तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी दुनिया के सामने आप लोगों को दिखाऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ जाकर यहाँ से इसको याद कर लो, ठीक है, तभी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँगे, ठीक है।